तो जी हाँ भाई बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चुपादी पर। मेरा नाम है पम्मी और अच्छा भाई मेरे डायमंड मुझे दे दो भाई। आ जा, पहले डायमंड देने से पहले मुझे तेरे को जो है गोस्ट ऑर्डर का आशीर्वाद देना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई, सीधे सीधे मेरे डायमंड दे दो भाई, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मेरे लिए सब अच्छा होगा। तो टेंशन मेरे पास अभी सीक्रेट पावर आ चुकी है, मैं हाथ के ऊपर केचप डाल के मारता हूँ तेरे को कस के चपेट। इधर आ, मैंने तेरे लिए एक डायमंड दो डायमंड फेंके, आके ले ले, आएगा तेरे कस के चपेट मार दूंगा उसको। इधर आ, एकदम खतरनाक वाला बदला ले चुके हैं और अभी इसके 27 डायमंड्स जो है मेरे हाथ में आ चुके हैं। ले अभी भाग, हाँ उसी तरफ भागो डरपोक कहीं के दम में, तो मेरे साथ लड़ना भाई। मैं वापस आऊंगा, देख लेना। हाँ, मैं तेरे को एलेक्स बन के मारता हूँ। आजा, मैं तेरे को एलेक्स बन के मारता हूँ। आ रहा है, आ रहा है, जैसे मैं गोस्ट राइडर बनूंगा भाग जाएगा। क्या भाग गया डरपोक कहेंगे, भाग गया। और अभी गाइस जो मेरे पास 27 डायमंड्स हैं, मुझे अंदर चेस्ट के अंदर छुपाने पड़ेंगे। वो रहा है, छत नीचे उतर जाए गैरेज की छत खराब हो जाएगी। सुन रहा है मेरी बात क्या? भाई मैं यहीं पे रहूंगा भाई, जब तक मेरे डायमंड नहीं दोगे। मैं देख लेना, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास बड़ी खतरनाक पावर आ चुकी है, बाद में मिलेंगे। गाइस मेरे को धमकी दे रहा है कि मेरे पास खतरनाक पावर आ चुकी है, होता उसके पास कुछ भी नहीं है। तो काम करते गाइस, फटाफट से मैं अपने गैरेज के अंदर जाता हूँ और ये डायमंड मैं अपने गैरेज के अंदर ही छुपा के रहूंगा। वैसे मेरा गैरेज उस तरफ है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे पीछे से जाना है, क्योंकि अगर मैं सामने से जाऊंगा तो वो मेरे को शायद देख सकता है और मेरे को रंगे हाथों पकड़ सकता है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास गोस्ट वाटर की पावरें हैं। 2 सेकंड के अंदर मैं उसका कच्चूमर बना दूंगा, हाथ के ऊपर आग जला के। ब्रो हाथ के ऊपर मैंने आग चला के लॉकी का आज मुझे कुछ ट्यूमर बना देना। यहीं पे कहीं घूम रहा होगा। ओके क्या बात है, यहाँ पर तो फिलहाल कोई भी नहीं है। एक काम करते हैं गाइस, बेस्ट आइडिया यही होगा कि अगर जब तक डायमंड्स मेरे जेब में है, मेरी इन्वेंटरी में है, गोस्ट वाइडर की इन्वेंटरी में है, तब तक लॉकी कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ये डायमंड बिल्कुल भी चेस्ट के अंदर नहीं रखूंगा और अभी लॉकी के ऊपर नजर रखता हूँ और देखता हूँ आखिरकार वो कर क्या रहा है। लेकिन वो गया तो गया कहाँ, लास्ट टाइम तो उसी गैरेज के ऊपर, तेरी पहाड़ों के ऊपर। अब वो वापस नहीं आना तेरे को क्या? भाई मैं आऊंगा भाई, अभी मैं अपनी सुपर पावर साथ में लेकर आऊंगा। कुछ नहीं कर सकता गाइस, इसके पास सुपर पावर, इसके पास होने के लिए कख भी नहीं होता और डींगे इसने बहुत बड़े बड़े मारने होते हैं। सुपर पावर लाओ। मैं डर गया, मैं डर गया। तो सबसे पहले यहाँ से शुगर केन तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये शुगर केन गाइस कुछ ज्यादा लंबा हो चुका है, बहुत तंग कर रहा था मेरे को। और खाने पीने के लिए गाइस थोड़ी बहुत सुविधा मेरे लिए कम हो रही है, तो एक काम करते हैं आज मैं यहाँ से खाना उठाऊंगा, क्योंकि ये वाली जो ग्रास है, ये वाली जो वीट है गाइस, बहुत टाइम से यहाँ पड़ी हुई है। मेरे को लगता है कि ऐसी पड़ी पड़ी बासी हो जाएगी कुछ। अरे व्हाट, मेरे को भी, अरे व्हाट ये ड्रोन, ए वो वो वो, ए मैं गोस्ट राइडर हूँ, तुम लोग मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकते भाई। कितने चल चल चल, मेरे पास मेरे ऊपर हमला करोगे तुम लोग? ये किसके भाई, किसके ड्रोन है भाई? अभी मैंने इस ड्रोन के ऊपर गाइस अपने नोटिस नहीं किया, मैंने अभी इस ड्रोन के ऊपर लॉगी का मुंह देखा। तो हैंग होना मिनट, क्या लॉगी मेरे ऊपर ड्रोन छोड़ रहा है? अबे इतना दिमाग उसके पास नहीं है, पता है ड्रोन बनाने के लिए कितना दिमाग चाहिए होता है? आपको पूरी मैकेनिक्स इंजीनियरिंग जो है, सॉफ्टवेयर जो है, सारी सीखनी पड़ती है, तब जाके आपको ड्रोन बनाने की अक्ल आएगी। और लॉगी देखा जाको पता है एकदम बेवकूफ बंदा, उसको ड्रोन ये वो कभी नहीं ड्रोन बना सकता। लेकिन फिर मेरे को पता करना कि एक्चुअली ये ड्रोन आ कहां से रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। मेरे को लगता है कि इस दिशा में से कहीं ना कहीं से ड्रोन आ रहे हैं। अभी मेरे को देखना है कहां से आ रहे हैं सारे लॉगिंग। ये कहां से तुम लोग आ रहे हो भाई? ये कौन थे? ड्रोन हंसता भी है भाई, मेरे को पता है। ड्रोन बच कर देखो भाई अभी। व्हाट, तू बोलता भी है? ये व्हाट, ये कैसा ड्रोन है? हंस भी रहा है, बोल भी रहा है? सिर्फ मैं बोल रहा हूं, मैं एक ही था। ओके चलो अभी आना। हां तो ड्रोन बोलने वाला ड्रोन, ये गाइस ये बोल, ये कैसी टेक्नोलॉजी है भाई, बोलने वाले ड्रोन कौन भेज रहा है मेरे ऊपर? चल तेरे को बताता हूँ मैं। एक काम करता हूँ गाइस, जाके बंडे से पहले गोल्डन एप्पल खा लो, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि मेरे ऊपर कितने सारे ड्रोन हमला करने वाले हैं। अरे ये बुलेट्स और वो, और इनके ऊपर लॉगी का बूथा लगा हुआ है। मेरे को डेफिनेटली पता है गाइस, ड्रोन जो है लॉगी मेरे ऊपर छोड़ रहा है। देखो मैंने तुम लोगों की बैटरियां निकाल ली, दिमाग मत खराब करो। चार चार ड्रोन एक बंदे को आगे मार रहे हैं यार, एकदम गलत बात। रुक रुक, तेरी गोलियां मार रहे हैं ड्रोन के अंदर से, गोलियां मार रहे, तेरे को पता नहीं है गोस्ट राइडर हूं। और पहली बार गाइस आप देख सकते हो कि गोस्ट राइडर ड्रोन से बच के, ए रुको। हाँ क्या बात है, देखो मैंने रुको कहा, सबकी बैटरियां वहीं पे फुस हो गई। पावर होती है गोस्ट राइडर की, ये नहीं समझेंगे। वैसे थोड़ा बहुत मेरे को चुकन्ना होना पड़ेगा गाइस, ये ड्रोन पता नहीं कहाँ कहाँ। हेलो, सारे ड्रोन यहीं पे रुक जाओ, सारे ड्रोन यहीं पे रुक जाओ। मैं भी रुका। अरे तू कंट्रोल कर रहा है क्या ड्रोन्स को? हां ये सारे मेरे ड्रोन्स हैं। ओ भाई वही मेरे ऊपर बिल्कुल हमला भी नहीं कर रहे अब तो। हां मारना नहीं भाई, मारना नहीं, नहीं तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं। हां मेरा दिमाग खराब है, मैं ड्रोन्स को मारूंगा? तेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी कहां से आ गई भाई? जैसे ही मैं गो बोलूंगा ये सारे आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। अगर तू जैसे ही गो बोलेगा तो मैं तेरा गो
मैं तेरा गूं बना दूंगा। एंड 3 नहीं अच्छा क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए मुझे? मेरे 27 डायमंड दे दो। मैं गोस्ट राइडर हूं, ये छोटे मोटे ड्रोन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी बोल तो, मैं एक पंच मारूंगा। 2 अरे रुक मैं तेरे को देता हूँ। हेलो ड्रोन्स, कैसे हो? बहुत अच्छे हो। ओ क्या ठंडी हवा खा रही है मेरे को। डायमंड दो भाई, डायमंड दो। मैं तो ठंडी हवा खा रहा हूँ ड्रोन की ना, ठंडी हवा सा। 27 डायमंड है ना, 27 में से एक तेरा, बाकी मेरे सारे दे दो। नहीं तो मैं गो, जैसे ही मैंने गो बोला सारे टूट पड़ेंगे। 3 बार तो गो तूने खड़े खड़े बोल दिया। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। अभी मैं तेरे को सिर्फ एक ड्रोन और दूंगा, अभी एक ड्रोन डायमंड। अभी मैं आपको फाइनल ऑफर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज 2-1 गो। अरे भाई, और वो, अरे नहीं गाइस, मैं चीफ को बोल दूंगा। आपको पता नहीं भाई, मेरी पहुंच एकदम चीफ तक। तुम, मैं गो सर्टर को, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखो मैं, कम ऑन, गो गो गो, फायरिंग कर रहे हैं। ओ फायरिंग कर, तू आ जा, तेरे को बताता हूं मैं। ये ले फायरिंग कर रहे हैं, ये ले। अरे भाई, ए अरे, तो मक्खियों की तरह आके मेरे को ले गए यार। अरे मेरा डायमंड चले गए, ये गलत बात है। ये देखो भाई, ये आ रहा हूं डायमंड। हां जरा पास आ। 3 मैं नहीं आऊंगा। नहीं, मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं। अरे इधर, मैं दरवाजा बंद करके अंदर से देखता हूं। हेलो, देख ये तेरे नमूने मेरे काम नहीं आएंगे। क्या बात है गाइस, 27 डायमंड। अभी तू बचेगा नहीं मुझसे यार, अभी तू बचेगा नहीं। सारे जाओगे। गोस्ट राइडर को मारना नामुमकिन नहीं, मुश्किल ही नहीं। कैसे बोलते हैं यार ये वीडियोस के अंदर, मेरे को तो, मैं फिर से मर गया यार। ये गलत बात है यार, लॉगे देखो कैसे। ए रुक भाई, कितने सारे ड्रोन है, सारे ड्रोन। ओ माय गॉड गाइस, तो ये तो एकदम खतरनाक ट्रोल उसने मेरे साथ कर दिया। लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इन ड्रोन से बचने के लिए मुझे एक सुपीरियर आर्मर बनाना पड़ेगा, मल्टी शॉट आर्मर। और वो कैसे बनता है एग्जैक्टली मेरे को पता है। तो गाइस, डायमंड्स की प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी मेरे को। गाइस, डायमंड्स की प्रॉब्लम यहाँ शहर के अंदर नहीं है, बात आती है प्रिंसिपल्स की। मेरा डायमंड लेके मेरी आंखों के नीचे से चला गया। अभी डायमंड्स की प्रॉब्लम मेरे को इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से ऑगे की सोर्ड लेके बिल्कुल डीप माइन के अंदर जाके बहुत सारे डायमंड्स लेके आ सकता हूँ। और एक्चुअली मेरे को डीप माइन के अंदर जाना है और वहां से डायमंड्स लेके आने हैं, ताकि मैं अपने लिए एक मल्टी आर्मर बना सकूं। और यार मैं तो कुछ ज्यादा डीप आ चुका हूँ, और मेरे को पता भी नहीं है भाई डायमंड की पर। अरे क्या बात है। लेकिन अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास है आगे की सोर्ड। और अगर मैं आगे की सोर्ड से तोड़ूंगा तो ब्रो डायमंड की एकदम बारिश। सिर्फ 5 ही मिले हैं मेरे को, बहुत सारे चाहिए यार। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर अपने लिए हेलमेट बनाना, और गाइस मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को चाहिए 3 हेलमेट, 2 मेरे को चाहिए यहाँ पे चेस्ट प्लेट, और फाइनली मेरे को चाहिए एक लेग गेन। क्या बात है, मेरे पास तो बहुत स्टॉक बच चुका है। और अभी गाइस द मेन इंग्रेडिएंट है, मुझे इन सब के बीच में एक एम्ब्रल ब्लॉक रखना होगा। और आपको तो पता है गाइस, माइनक्राफ्ट के अंदर एम्ब्रल ब्लॉक लेना बाएं हाथ का खेल है। और कितना फार्मर, कैसे हो, क्या बेच रहा है चौधरी, इधर क्या चाहिए तेरे को? अरे क्या बात है, 20 लुटवाएगा है, शेयर करवाएगा सिटी के अपने, मतलब कि वीट लेके डायमंड दे रहा है मेरे को खोता कहीं का। और इस चेस्ट के अंदर गाइस बहुत सारी वीट पड़ी हुई है। आजा, तो आई थिंक इतने काफी होंगे। एक पहले जख्मी हो चुके हैं, तू यार मरम्मत करवा ले अपनी। दे दे भाई सारे, दे दे भाई सारे, मेरे को चाहिए जितने भी हैं सारे मेरे को। एक एक ब्लॉक बनाने के लिए आई थिंक 9 चाहिए होते, तो 9 मेरे पास आ चुके हैं, जिसको रखना है यहाँ पर। एंड एक ब्लॉक, और अभी मेरे को ऐसे और ऐसे मल्टी आर्मर टोटम। और अभी गाइस अगर मैं ये पहन के देखूं तो एक वो, अभी मेरे पास पावर है। देखो गाइस, इस आर्मर की पावर है, देख के ना मैं खुद हैरान हूं कि इसके पास क्या खतरनाक पावर है। अगर अभी मेरे पास ड्रोन आए तो मैंने पट, ओ तेरी शिट, हाँ, तो मैं ऐसे ड्रोन्स को मार दूंगा। मेरे पीछे, ओ भाई कितने सारे एमरल्ड्स मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो गाइस, इस आर्मर की पावर से तो बिल्कुल लॉगी बच भी नहीं सकता, मैं तो फ्लाई होके भाग भी जाऊंगा। तो चलिए गाइस, अगर आपको नेक्स्ट वाली वीडियो जल्द से जल्द देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गिव मी 200,000 लाइक्स। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, एंड बाय-बाय।